फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो एक नई सुबह के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। भाई दूज वाले आगे, तुम बाहर में क्यों बैठ रहे हो? आओ भाई, आओ आओ अंदर आओ। आ तो यहाँ बड़ा बड़ा बैग आ रहा है। कुबनी बड़ा ब्लॉग रहता है। अच्छा किले है भाई, दिया भाई किले है दिया भाई। तो आज है भैया दूज, तो सभी भाई बहनों को भैया दूज त्योहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मेरे भैया भी पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोग करते हैं भैया दूज की प्रक्रिया की क्या क्या करना है, पूजा पाठ जैसा भी करना है। तो आप लोग इसी प्रकार मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखें कि हमने किस ढंग से भैया दूज मनाया। बस बैठ रहे हैं अंदर अंदर ही दौड़ रहा है। इंजरा भी है, इंजरा क्यों नहीं खोलता? बिम्बा को मांचे में से तो बोल खोल दो। यहाँ खुलनी है, मैं बाहर का बोलूंगी। तो अब दोनों जेठू जमाई का नाश्ता हो रहा है। कर्मी भाई छोला लो, ठीक है? अब निपट चुका है काम, अब जा रही हूँ मैं दुकान में। नना तुम यहाँ किस लिए आ रहे की है? सुबह के 10 बजे से तुम खटाई खाना स्टार्ट कर दे रही है, क्या हो गया तुमको है? इनके साथ साथ मेरी भाभी भी पागल हो रखी है। ये देख लेते कि वीडियो बना रहे थे, अपना हाथ खाली कर दिया। नहीं है मेरे पास मम्मा, अगर तुमको खटाई खानी है ना तो प्रॉपर वे में खाओ भाई। हम तो मैरिड हम खारा खा रहे हैं, अनमैरिड की चिल्ली वो क्यों खा रही है? मैं तो खाली चिल रही हूँ, खा रही हूँ। पापा मेरा गला दर्द हो गया, बताऊंगी मैं, रुक जा। पर मैं तो इनको देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कितना खट्टा खा। डेली का काम है इनका ये, डेली मन में तो बोला खाने आप खा नहीं सकते। पानी तो आपके मुंह से भी नहीं आता वाला पानी। ये है पापा। नना ठीक है खाओ ना, तो घर से सब चीज लेके आओ। हम भी बनाते थे पहले, मलाई लाओ, चीनी लाओ, हरा धनिया लाओ, उसमें एक गाजर काटो है ना, तो ऐसे करके खाओ। तो ऐसे पापा मेरा मुँह में रियल पानी आ रहा तुमको देख करके। मतलब खाने के लिए नहीं कि खा कैसे रहे। बाप रे बाप, यहाँ तो कोई मतलब नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है रे तुम्हारा। तुम तभी इतना खट्टा खा रहे, कुछ तो है, कुछ तो है। भाभी बीमार हो गए, मैंने मुन्ना भैया को बोलना है कि ये है तेरी बीबी का हाल देख ले। है तुम कर क्या रहे ऐसा है? ऐसा लग रहा ना कि जैसे इनको कितनी बड़ी चीज मिली होगी। एक और देखो, ये सारे साधन जुटा रखे जब ना तुमको पता तुमने यहाँ एक कट्टा मालदा रखा हुआ है, तो घर से और चीजें भी लाओ ना है। खाओ बेटा खाओ खाओ खाओ, इसका खाना तो वाजिब है, इसका खाना वाजिब है। दिनों बाद आज दिन में खाएंगे दाल चावल, बहुत टाइम बाद।
शायद मैं एक महीना हो गया होगा, तो आज है तो का चलो थोड़ा सा दाल चावल खा लेते हैं, तो बना लेते हैं दाल चावल। और जब से दिन का खाना पीना बंद हुआ तब से शैडो भी मेरे ब्लॉग में नहीं दिख रहा है, और अक्कू और मिट्टी भी बोले थे मम्मी शैडो दिख ही नहीं रहा ब्लॉग में, तो आज चलो शैडो के भी दर्शन हो जाएंगे। शैडी, और शैडो को इतने दिनों से इसको भी पपीता नहीं मिला था, तो आज बच्चों ने देहरादून से इसको पपीते और बिस्किट भेजा है, तो आज शैडो के आगे मजे खा लिया पपीता। तो ये नया कुकर लिया था मैंने धनतेरस में, तो आज सुबह भैया दूज के लिए मैंने इसमें बनाई खीर, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी नया बर्तन हो तो उसमें दूध वाली चीज़ बनानी चाहिए, तो मैंने इसमें बनाई थी खीर, तो आज इसमें बन गया है चावल, ये बन गई है दाल। बहुत टाइम बाद ये सब देखने को मुझे भी मिल रहा है, आप लोगों को भी। तो दोस्तों एक बार फिर जा रही हूँ मैं दुकान में, खा चुके हैं खाना। आज हम जाते थे खोली, और मन में बड़ी दुविधा थी कि ये पुल बना होगा कि नहीं बना होगा, लेकिन ये पुल बन चुका है, बहुत खुशी हो रही है, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत आफत आ जाती थी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।